हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच है। आर्महोल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की सॉरी 3.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड भी 3.5 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए मैं गले की लंबाई 11 इंच रख रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की डिज़ाइन के लिए ऊपर की साइड से 3 इंच की लंबाई पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब गले का राउंड नेक में मार्किंग करेंगे। नीचे के साइड से डिज़ाइन में गले की मार्किंग कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए मार्क कर दिया है। अब इसी तरीके से सेम हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो देख लीजिए मैं कटिंग कैसे करें। ऐसे बराबर में कटिंग कर देंगे गले पे, जैसे मार्किंग के सेम मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर दिए हैं। अब बकरम यूज़ करेंगे। तो बकरम ले लेते हैं और गले के बराबर में देखिए डबल फोल्ड करके बकरम को रख देंगे और पूरा इस पर जैसे गले को कट किया उसी तरीके से बकरम को भी कट कर लेते हैं बराबर करते हुए। तो देख लीजिए मैं बकरम की कैसे कटिंग की। ऐसे कर दीजिएगा बकरम की भी कटिंग। अब ब्लाउज़ कपड़ा ले लेते हैं इसके साथ में और बकरम को पहले हम सेट कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने डिज़ाइन को कट किया उसी डिज़ाइन में सेट कर दिया है बकरम को। इसको साइड करेंगे बकरम को और ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे। ब्लाउज़ के कपड़े की भी सेम ऐसी कटिंग कर देंगे गले की। तो मैंने गले की कटिंग कर दिया है। अब तीनों को बराबर में रखेंगे। बकरम और अस्तर कपड़े को बराबर में रख लेंगे और एक सिलाई लगा तो इसके गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ वीडियो में। इस तरीके से बराबर करते पूरे गले को स्टिच कर देते हैं। तो अच्छे तरीके से कॉर्नर के साइड से फोल्ड करते स्टिचिंग कीजिए। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ ऐसे गले की स्टिचिंग कीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरा गले की स्टिचिंग कर दिया है। अब गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगा दीजिएगा। तो मैंने ये देख लीजिए कॉर्नर को अच्छे से कट करती हूँ। पूरे गले पे कट लगा दिया। अब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो पहले कॉर्नर दोनों जो हैं उसको अच्छे तरीके से पलट कर सीधा कर देंगे। तो बराबर में कॉर्नर को अच्छे से सीधा कर लीजिएगा। दूसरे कॉर्नर को भी बराबर में सीधा कर देंगे। ये दोनों कॉर्नर सीधा हो चुका है। पूरे ब्लाउज को पलट कर सीधा करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए ब्लाउज की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे गले की। तो आप देख लीजिए मैं गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कैसे करें। ऐसे बराबर करते कर दीजिएगा। तो मैंने गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से ब्लाउज में ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में ट्रक्स को स्टिच कर देते हैं। तो मैंने देखिए दोनों साइड से ट्रक्स को बराबर में स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड के फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से पूरा अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है ब्लाउज को। अब ब्लाउज को साइड करेंगे। इसके गले पे डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए ब्लाउज को साइड करेंगे और डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। तो मैंने देखिए ये फैब्रिक ले लिया अस्तर का जो गले में से कट होके निकला था। अब इसको बिल्कुल राउंड करते हुए कट कर लेंगे गोल में। तो मैंने देखिए इसको बिल्कुल गोल में कट कर दिया है। अब ब्लाउज कपड़ा ले लेंगे इसके साथ में। तो जो गले में से कपड़ा निकला था उसके ऊपर बराबर में अस्तर को रख के पूरा साइड से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने साइड से इसकी पूरी स्टिचिंग कर दी है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसको देखिए साइड साइड से इसमें छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। जब पलट कर सीधा करेंगे तो बराबर में आएगा राउंड में ही। अब फोर पार्ट्स में देखिए इसको फोल्ड करके बीच से छोटा सा कट लगा दीजिएगा। वहीं से इसको पलट कर सीधा कर लेंगे।
तो ये मैंने फैब्रिक को पलट कर सीधा कर लिया, इसको बराबर कर लेंगे और एक सिलाई लगाते हैं, इसके साइड से पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने साइड से पूरा इसकी सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर दिया है। अब इसके मिड पॉइंट से बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करेंगे बीच से ही, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके वहाँ से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से नीडल की सहायता छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देखिए स्टिच कर रहे हैं, फ्रिल मॉडल में ऐसे स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से बराबर में टाइट में हम इसको अच्छे से बांध लेते हैं और यहाँ से लॉक कर देंगे धागे को। देखिए डिज़ाइन मेरी कम्प्लीटली बन चुकी है। इस डिज़ाइन को साइड करेंगे और मैंने ये दो पट्टी ले ली है, एक पट्टी छोटी करके रखी है, एक बड़ी करके, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं दोनों की। अब दोनों को डिज़ाइन करना है तो आप देख लीजिए, ऊपर के साइड से पतले में रखेंगे, नीचे के साइड चौड़ाई बढ़ा दीजिएगा। ऐसे बिल्कुल आप मार्किंग करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। देख लीजिए वीडियो में, आपको समझ में आया होगा। ऐसे दोनों को बना लेंगे। नीचे के साइड से थोड़ा सा हम इसको क्रॉस में मॉडल में मार्क किए हैं, ट्रायंगल मॉडल में, और ऊपर के साइड से पतला रखिएगा, नीचे के साइड से चौड़ा कर दीजिएगा पट्टियों को। अब इसको पूरा हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हो उसको कट करके निकाल देंगे। अब इसे पलट कर सीधा करेंगे तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको पलट कर सीधा करें। इस तरीके से दोनों डिज़ाइनों को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो एक डिज़ाइन पलट कर सीधी हो चुकी है, ऐसे दूसरी भी कर देते हैं। इसको बराबर कर लीजिएगा अच्छे से। अब दूसरा भी देखिए मैं पलट कर सीधा कर रही हूँ, दोनों को सीधा कर दिया। अब एक सिलाई लगाते हम इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर देंगे। तो एक मेरा फिनिशिंग की स्टिचिंग मैंने कर दिया, दूसरे की भी कर लेते हैं। तो मैंने दोनों की फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब दोनों को ऊपर के साइड से बराबर में रख के सिलाई लगा के देखिए स्टिच कर दी है। अब इसको साइड करेंगे और ब्लाउज लेंगे। ब्लाउज के बिल्कुल नीचे के साइड से बिल्कुल मिड से आप इसको बराबर में रखते स्टिच कर दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैंने देखिए बीच से रखते इसको स्टिच कर लिया है। अब ऊपर के साइड से हमें इसको डेकोरेट करना है। पहले नीचे के साइड से जो डिज़ाइन बनाई थी यहाँ से स्टिच कर देंगे डिज़ाइन को, और ऊपर के साइड से मोती लगाएंगे। एक बड़ी वाली गोल्डन कलर की मोती लगा दीजिएगा यहाँ से, तो अच्छे से मोती को स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने ये मोती लगा दिया है। अब नीचे के साइड से इसको डेकोरेट करने के लिए कोई 100 बटन लगा दीजिएगा, तो मैंने ये बटन लगा दिए। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो मेरी डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, जो ऐसे ही सिंपल और ब्यूटीफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।